हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टूडियोज के टॉप 15 क्वेश्चंस के एक और धमाकेदार सेशन पे। आज के दिन में फिर से हम करेंगे कुछ नए 15 क्वेश्चंस का डिस्कशन और देखेंगे कि किस तरीके से आपकी अप्रोच है और कैसे आप किस तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। बट यस, आज के सेशन में एक खास बात यह है कि आज आपको मिलेगा एक होमवर्क क्वेश्चन भी, और उस होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे वीडियो खत्म होने के बाद। क्योंकि हमने एक चीज़ नोटिस करी है कि वीडियो ख़त्म होने के बाद जब कमेंट्स आपके हमने देखे तो इररिलेवेंट, तो इसीलिए रेलेवेंसी बनाए रखने के लिए होमवर्क क्वेश्चन आज हमने एक अटैच किया है आप सभी के सेशन में। सो जस्ट वेट फॉर दैट होमवर्क क्वेश्चन और उसके लिए पूरा का पूरा सेशन देखें। सेशन जो है वो आपको आपके SSC एग्जामिनेशन और स्टेट लेवल एग्जामिनेशन का सिलेबस कवर करने में हेल्प करेगा। मंडे से लेके आज तक के जितने भी सारे सेशन से उनके सारे के सारे क्वेश्चन को एक क्लब बना के इकट्ठा करके प्रैक्टिस करके देखना, आपका SSC का स्टेट लेवल की सारी तैयारी जो है, कोई भी स्टेट हो, एग्जाम की तैयारी साथ साथ चलती रहेगी। अब हर दिन की शुरुआत हम करते हैं एक पॉजिटिविटी के साथ, एक मोटिवेशन के साथ, एक थॉट के साथ। सो यस, आज का थॉट फॉर द डे आपको क्लियरली दिख रहा है या आपसे कह रहा है, फॉलिंग डाउन इज एन एक्सीडेंट, स्टेइंग डाउन इज अ चॉइस। मतलब गिरना तो एक एक्सीडेंट है, लेकिन गिर के पड़े रहना ये हमारी चॉइस है। मतलब अगर खुद की प्रेपरेशन से इसको जोड़ो, खुद की तैयारी से इसको जोड़ो, खुद के एफर्ट से इसको जोड़ो, तो यार ठीक है, नहीं हुआ सिलेक्शन, फेल हो गए हम 0.5 से, 0.25 से, या मान लो एक नंबर से हम रह गए, नहीं हो पाया, नहीं कर पाए, ठीक है ना। लेकिन अब ये सोच के कि यार हम तो फेल ही हो जाते हैं, या हमसे तो पास ही नहीं होता है, हमसे तो क्लियर ही नहीं होगा, ये सोच के अगर आप पड़े रहो तो ये गलती है, ये दिक्कत है, ये समस्या है जिसको ओवरकम करना है, राइट। सो गिर गए हैं, फेल हो गए हैं, कोई बात नहीं, हम उठेंगे, फिर चलेंगे, फिर भागेंगे, तब तक भागेंगे जब तक हमारी सिलेक्शन कम्प्लीटली हमारी सक्सेस को हमारे पास नहीं ले आती, ठीक है। तो इसी पॉजिटिविटी के साथ, इसी थॉट के साथ चलो सेशन को शुरू करते हैं। बट यस, एज यू ऑल नो कि सबसे पहले आपको हमें यहाँ अनअकैडमी पे फॉलो करना है, क्योंकि अगर अभी तक आपने हमें अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया है तो देर हो गई है भाई, क्योंकि फ्री स्पेशल क्लासेस ऑलरेडी हमारी चल रही हैं, जिसमें सुबह 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हम बैंक कर रहे हैं और रात में 9 बजे से 10 बजे तक SSC कर रहे हैं। ये कंप्लीट 1 आवर की क्लास होती है जिसमें हम अभी टॉपिक वाइज चल रहे हैं। टॉपिक वाइज चलने का मतलब ये हुआ कि आपका टॉपिक बाय टॉपिक सारा सिलेबस जो है वो क्लियर हो रहा है। वंस वी विल कंप्लीट द टॉपिक्स, देन फिर हम आगे अपने मॉक्स पे, प्रैक्टिस पेपर्स पे, सब पे बढ़ेंगे। लेकिन अभी टॉपिक वाइज आप इसको चेक करो एक बार जाके, जो टॉपिक चल रहा है अगर वो आपके काम का है या आपको लगता है कि यस इसके आपको रिवीजन चाहिए, तो आप इन क्लासेस को अटेंड करो। ये क्लासेस जो हैं ये आपके सब्सक्राइबर्स के लिए और नॉन सब्सक्राइबर्स के लिए दोनों हैं। दैट मींस नॉट नेसेसरी कि आपके पास अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन हो, बिना सब्सक्रिप्शन के भी आप ये फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आपके पास एक क्लास का और चॉइस है, दैट इज 12 बजे से 1 बजे तक, जो कि हमारा प्लस कोर्स चलता है लाइव। 19th of August को इसको हमने लॉन्च किया है, एंड अगैन डेली इसकी 1 आवर की क्लास होती है। दैट मीन्स सारी की सारी अनअकैडमी की क्लासेस की अगर हम बात करें अपनी, तो मंडे से लेके संडे तक ये 3 आवर्स आपके लिए रेगुलर बेसिस पे होते हैं। अब नॉन सब्सक्राइबर्स अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जो कोड यूज़ करेंगे दैट वुड बी SMS10। SMS10 यूज़ करते ही आपका जो भी अमाउंट होगा परचेजिंग का, उस पर 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। अब 10% का डिस्काउंट कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, तो कुछ नहीं करना, देखो हमारी प्रोफाइल फॉलो करना। प्रोफाइल फॉलो करने के बाद हमारा जो ये प्लस कोर्स का आपको इस तरीके से लाइव दिखेगा वहाँ पे, उस पर क्लिक करना। क्लिक करने पे इसका लेक्चर प्लान ओपन हो जाएगा। जब इसका लेक्चर प्लान ओपन हो जाएगा तो ये जो 47 लेसन्स हैं, कैसे, किस दिन, कितने हिसाब से कवर अप होंगे, ये आपको पता चल जाएगा। इसके बाद आपको एक गेट सब्सक्रिप्शन का बटन भी मिलेगा। जब आपको गेट सब्सक्रिप्शन का बटन मिलेगा तो उसको क्लिक करते ही एक पेज ऐसा खुलेगा जिसमें आपके अमाउंट, प्राइजेस और एक टाइम ड्यूरेशन दिया होगा। हमने यहाँ पे 2 हाईलाइट किए हैं, एक 6 मंथ किया है, एक 12 मंथ्स किया है। अगर 6 मंथ के लिए जाते हो तो प्राइस आपको दिखेगा 4800, ठीक है, लेकिन SMS10 कोड लगाते ही ये प्राइस हो जाएगा आपका 4320। वही चीज़ अगर हम 12 मंथ्स के लिए करें तो प्राइस आपको दिखेगा 6000, लेकिन SMS10 कोड लगाते ही ये हो जाएगा आपका 5400। तो ये मान के चलो कि नॉमिनल 6 मंथ का या 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते ही आपका डिस्काउंट एप्लीकेबल होते ही प्राइस अमाउंट जो है वो और कम हो जाएगा।
फायदा सब्सक्रिप्शन का यह है कि आप इसमें न सिर्फ हमारा कोर्स देख सकते हैं बट बाकी एजुकेटर्स का बाकी प्लस कोर्स भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रीजनिंग का है या ये सिर्फ मैम का है, ये ऑल अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन है, ठीक। तो चलो अब हम शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, देखो, हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड एडजस्टिंग each of which has as many letters between them in the word as in the English alphabet. Adjusting शब्द में कितने ऐसे अक्षरों के जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक में उनके बीच उतने ही अक्षर जैसे कि अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो हम क्या करते हैं, सिंपली वर्ड लेते हैं, वर्ड हमारा क्या है, एडजस्टिंग। अब एडजस्टिंग को जब हम अल्फाबेटिकली चेक करेंगे तो दो तरीके, एक तो प्लेस वैल्यू से चेक कर लो या तो फिर लेटर बाय लेटर करो, जैसे ए के बाद काउंट करो बी सी डी ई एफ जी एच आई, कोई नहीं मिला, डी के बाद ई एफ जी एच आई, एक मिल गया, फिर देखो जे के बाद के एल एम एन ओ पी, यू के बाद वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, नहीं मिला, एस के बाद टी, फिर एस टी यू वी डब्ल्यू आई जे के एन ओ, नहीं मिला। तो अब बैक साइड से देखो जी के बाद जी एच आई। अब बैक साइड से इसीलिए क्योंकि क्वेश्चन में हमसे ये नहीं कहा ना कि सिर्फ लेफ्ट या सिर्फ राइट, तो इसीलिए हम लेफ्ट और राइट दोनों देखेंगे। तो एक मिल गया हमें जी एच आई, अब जी एच आई के आगे देख लो जी एच आई जे के एल एम एन ओ, नहीं है, देन एन के बाद देखो ओ पी क्यू आर एस टी यू, नहीं है, I J K L M N O, नहीं है, T के बाद U V W X Y, S के बाद T U V, U के बाद U V, फिर तो कोई है ही नहीं। That means कितने मिल रहे हैं हमें, ऑप्शन नंबर D 3 इज द राइट आंसर। बात समझ आई, अगर लेफ्ट राइट बोला होता तो हम जहां से बोला होता वहां से बस निकालते, यहां हमें कुछ नहीं कहा है इसीलिए आंसर हो जाएगा हमारा फ्रॉम बोथ द साइड्स, ऑप्शन नंबर D 3। लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है, If each letter in the word fraction is arranged in alphabetical order from left to right and then each vowel is changed to next letter in the English alphabetical series and each consonant is changed to previous letter in English alphabetical series, which of the following will be fourth from the right of the new arrangement? Fraction में प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में जमाया जाए बाएं से दाएं। That means सबसे पहले फ्रैक्शन को अल्फाबेटिकली अरेंज किया, कैसे किया, ए सी देन एफ आई आ जाएगा, एन आ जाएगा, देन ओ आ जाएगा, फिर आर और टी आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब ईच वॉवल इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर, वॉवल को नेक्स्ट लेटर से बदल दिया, तो आई हो गया हमारा जे, ओ हो गया हमारा पी, और कॉन्सोनेंट को बदल दिया प्रीवियस लेटर से, तो ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा ई, एन हो गया हमारा एम, आर हो गया हमारा क्यू और टी हो गया हमारा एस। अब पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फोर्थ फ्रॉम राइट ऑफ द न्यू अरेंजमेंट दस फॉर्म्ड, नई व्यवस्था में दाएं ओर से चौथा कौन सा अक्षर है? तो दाएं ओर से चौथा, दैट मीन्स एक दो तीन चार, सो यस आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए एम। देखो क्वेश्चन ने जैसा जैसा कहा वैसा वैसा हम लाइन से करते गए और बस हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स एल बी ए ई यूजिंग ईच लेटर वंस इन ईच वर्ड, प्रत्येक शब्द में केवल एक बार प्रत्येक अक्षर का उपयोग करके एल बी ए ई अक्षरों के साथ कितने अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बन सकते हैं? सो यस लेटर है एल बी ए ई, तो इससे एक तो बन जाएगा एबल और एक बन जाएगा बेल, बस। तो यस ऑप्शन नंबर टू विल बी द आंसर, ओनली टू, हर लेटर को सिर्फ एक बार यूज करना है, ठीक है। चलो लेट सी द अगला वाला। अब यहां देखो क्या है, कोडिंग डिकोडिंग अगेन, इंटरेस्टिंग कोडिंग डिकोडिंग। In a certain code language, DPQCK is written as JVJOW. Komal is written as KONNY. So how will Neelu be written in that code? ठीक है,
अब जरा समझे हम, DPQCK का कोड है JVJOW, देखो 4, 16, 17, 3, 11, ये हो गया 10, 22, 10, 15, 23। डिफरेंस देखें जरा, 4 से लेके 10 तक कितना हो रहा है ये +6, 16 से लेके 22 तक कितना हो रहा है ये +6, अब 17 से 10 कितना हो रहा है, तो 17 से 10 अगर हम देखें तो 17 प्लस 6 कितना होता है 18, 19, 20, 21, 22, 23, पर ये तो हो नहीं रहा। तो 17 माइनस 10 अगर देखा जाए तो कितना हो रहा है, ये आपका हो रहा है यहाँ पे माइनस 7। अब 3 से लेके 15 तक अगर देखो तो यहाँ कितना हो रहा है आपका प्लस 8 नहीं होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कितना +12, ठीक है। और 11 से लेके 23 तक अगर आप देखो तो यहाँ पे कितना हो गया आपका प्लस, ये हो गया आपका प्लस अगेन 12, ठीक है, तो +12 हो गया, यस 23 आ गया। अब क्या कोनी में भी यही चीज हो रहा है, कोमल और कोनी में चेक तो करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो कोमल का दिया है KONNY, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो नहीं, अब यहाँ पे ये चीज नहीं हो रही है, के का के से हो रहा है, ओ का ओ से, एम का एन, ए का एन, एल का वाई। अब क्या इसके ऑपोजिट से कुछ रिलेशन लिया जा सकता है? यस, ऑपोजिट से कहीं ना कहीं कुछ रिलेशन लिया जा सकता है। कैसे लिया जा सकता है चलो समझो, क्योंकि प्लेस वैल्यू तो काम ही नहीं कर रही। डी पी क्यू सी के को अगर हम देखें जे वी जे ओ डब्ल्यू, क्यू और जे तो सीधा सीधा ऑपोजिट हो गया, ठीक है। वहीं कोमल में देखो तो के ओ एन एन वाई, तो एम और एन तो सीधा सीधा ऑपोजिट हो गया। अब बाकी का क्रॉस करें क्या? यस, पी का ऑपोजिट होता है के, के माइनस वन जे, डी का ऑपोजिट होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस वन वी, सी का ऑपोजिट होता है एक्स माइनस वन डब्ल्यू, के का ऑपोजिट होता है पी माइनस वन ओ। यस, तो क्रॉस ऑपोजिट माइनस वन, यहाँ पे भी वही हो रहा है, के का पी माइनस वन ओ, ओ का पी माइनस वन के, ए का जेड माइनस वन वाई, एल का ओ माइनस वन एन, तो नीलू का निकल आएगा पक्का। सो यस, एन डबल ई एल यू, सबसे पहले तो देखो ई का वी आ ही जाएगा, अब ई का वी माइनस वन तो यू हो जाएगा, एन का एम माइनस वन तो एल हो जाएगा, फिर उसके बाद एल का ओ माइनस वन तो एन हो जाएगा, और U का F तो यहाँ पे आ जाएगा आपका E, तो यू एल वी ई एन, ऑप्शन नंबर D इज द राइट आंसर, ठीक। चलो लेट्स सी द अगला वाला। अब क्या है, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 9675842311 ऑन द सेम प्लेस एज व्हेन दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम राइट। 9675842311 में ऐसे कितने डिजिट्स हैं जिनको छोटे से बड़े क्रम में असेंडिंग ऑर्डर में जमाने पे, दैट मींस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आर ऑन द सेम प्लेस। तो सेम प्लेस पे तो हमारे हिसाब से यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे सारे के सारे अगर हम देखें यहाँ जो हमने नंबर्स से अरेंज किया, हाउ मेनी सच डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 9675842311 ऑन द सेम प्लेस as when they are arranged in ascending order starting from right। 9675842311 में से कितने अंक हैं जो उसी स्थान पर हैं जहां वो थे जब उन्हें दाएं से अवरोही क्रम में जमाया जाए। ओके, सो नाउ व्हाट आई हैव मेड अ मिस्टेक, और आप भी यही गलती करते हो कि आपने ये नहीं देखा कि राइट से, ये नहीं देखा कि दाएं से, दैट मींस जो हमने यहां वन से अरेंज किया है हमें यहां से ना अरेंज करके यहां से अरेंज करना है। बात समझ आई? लेफ्ट से ना अरेंज करके हमें राइट से अरेंज करना है। अब जब राइट से अरेंज कर दिया तो अब कितने नंबर्स उसी प्लेस पे हैं, देखो सिंपल सा फंडा, एक तो ये वन हो गया पक्का, ये नाइन नहीं है यहाँ, ठीक है। अब उसके बाद देखें तो एक ही हमारा लास्ट में नाइन है, एक्सक्यूज मी, ठीक, तो एक वन हो गया हमारा, एक ये नाइन हो गया। इसके बाद देखो तो ये सेवन, सेम प्लेस, फिर
फिर उसके बाद ये फोर सेम प्लेस, तो कितने हो गए, एक दो तीन चार. सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए फोर. दैट मीन्स अगर आपने ये नहीं देखा ना कि आपको राइट से या दाएं से अरेंज करना है तो ऑब्वियसली आंसर गलत आएगा. तो इसीलिए क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना जरूरी है. लेट सीधा अगला वाला. अब क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सन इज रिटन एज 54, सो हाउ विल मून बी रिटन इन दैट लैंग्वेज. अब सन का कोड दिया है 54, वेरी सिंपल. एस की प्लेस वैल्यू हो गई 19, यू की प्लेस वैल्यू हो गई 21, एन की प्लेस वैल्यू हो गई 14. जरा सबको ऐड कर दो, तो 19 प्लस 21 प्लस 14 विल गिव अस व्हाट, 54. तो वही चीज हम मून के साथ करेंगे, एम डबल ओ एन, 13 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 14. तो 15 और 15 कितना हो गया, 30. 13 प्लस 14. हमारी मैथ्स थोड़ी सी गड़बड़ है इसीलिए हमको बार बार सारी चीज़ें करनी पड़ती है, पर आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो. तो बस यूनिट प्लेस 7 आनी चाहिए, 3, 4, 5. सो 57 इज द राइट आंसर. ठीक है, लेट्स सी द अगला वाला. अब देखो क्या है, येलो मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स व्हाइट, व्हाइट मीन्स ग्रीन, ग्रीन मीन्स ब्लैक. सो व्हाट विल बी द कलर ऑफ लीफ ऑफ अ ट्री. यदि पीले को लाल, लाल को नीला, नीले को सफेद, सफेद को हरा और हरे को काला लिखा जाए तो फिर पेड़ की पत्ती का रंग क्या है. सो सबसे पहले तो देखो कि लीफ का कलर होता है ग्रीन. अब लीफ का कलर अगर होता है ग्रीन तो ग्रीन मीन्स व्हाट, ग्रीन मीन्स ब्लैक. दैट मीन्स आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हरे को काला लिखा जाता है. तो अब ये दिमाग नहीं लगाना कि अच्छा ऐसे कैसे, नहीं, जो ग्रीन को डिनोट करेगा, जो कोड करेगा, वही हमारा आंसर होगा. लेट सी द नेक्स्ट. अब क्या है, इन द इंग्लिश अल्फाबेटिक सीरीज इफ बी टर्न्स डी सी टर्न्स आई. बी क्या टर्न हो रहा है, डी, और सी क्या टर्न हो रहा है, आई. सो व्हाट विल डी टर्न टू. ठीक है, 2 का 4 हो रहा है, 3 का 9 हो रहा है, मतलब स्क्वायर हो रहा है. 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9. तो अब अगर हम डी का देखें तो क्या हो जाएगा, डी, दैट मीन्स डी की प्लेस वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 का मतलब क्या हो गया, पी. अब ये मत दिमाग लगाना यहाँ पे कि बी में 2 जोड़ दिया, सी में 6 जोड़ दिया, नहीं, उनकी प्लेस वैल्यूज देखो बहुत जल्दी क्लिक करेगा. प्लेस वैल्यू का स्क्वायर हो रहा है तो डी के साथ भी हम वही करेंगे, 16 प्लेस वैल्यू पी की है. सो ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर. लेट सी द अगला वाला. अब क्या है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैट इज रिटन एज डी डी वाई, सी ए टी डी डी वाई, तो फिर बी एल जी का कोड क्या होगा. तो जरा देखो, ये है 3, ये है 4, ये है 1, ये है 4, ये है 20, ये है 25. समझे क्या हो रहा है, 3 प्लस 1, 1 के साथ प्लस 3 हो रहा है, तो यहाँ प्लस 5 हो रहा है. दैट मीन्स प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, ऑड नंबर्स का एडिशन. तो वही चीज़ ज़रा बी एल जी में करो, b प्लस 1 सी, l प्लस 3 तो m n o, और g प्लस 5 तो 7 प्लस 5 होता है 12, 12 मतलब हो गया l, तो c o l इज द राइट आंसर. लेट सी द अगला वाला, मिसिंग नंबर. बहुत सिंपल है, वर्टिकली चेक कर लो फटाफट, 6 इंटू 5 इंटू 4, 6 5 जा 30, 34 जा 120, 6 7 जा 42, 42 इंटू 3 किया तो 126. तो बस 8 इंटू 5 इंटू x हो जाएगा ये, तो 8 इंटू 5 इंटू x इज इक्वल टू 320. दैट मीन्स 40x इज इक्वल टू 320. x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी आपकी 8. सो यस, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. अगला देखो, 26, 11, 5, 10. अगेन वर्टिकली चेक करेंगे, 26 माइनस 11 किया तो कितना हुआ, 26 माइनस 11 किया तो कितना हो जाएगा, 15. 15 माइनस 5 किया तो 10 हो गया. 18 माइनस 9 किया तो 9 हो गया. 9 माइनस 4 किया तो 5 आ गया. तो 10 माइनस 7 3, 3 माइनस 1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2. एज सिंपल एज दैट. अगला देखो, 142, 49. सिंपल सा फंडा, नीचे ये सारे के सारे क्या हैं, स्क्वायर्स हैं, तो इन सबको ऐड कर दो. 1 प्लस 4 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर 49. 4 प्लस 2 प्लस 2 8,
8 का स्क्वायर 64, समझ गए? तो अब यहाँ क्या होगा, x प्लस 5 प्लस 3 169, तो ये कितना हो गया आपका 8x 169, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे आपका 8x आ गया, सो ऑब्वियसली एक बात ये समझो कि आपको क्या करना है यहाँ पे, सॉरी 8x नहीं आएगा, 8 प्लस x ही रहेगा, मल्टीप्लाई थोड़ी हम कर रहे हैं, ये आपका 8 प्लस एक्स ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू 169 माइनस 8 कर दोगे। अच्छा 169 ही नहीं करोगे एक्चुअली, 169 का आप रूट लेके करोगे, क्यों? क्योंकि 169 तो स्क्वायर है, और किसका स्क्वायर है, आई गेस 13 का स्क्वायर है, तो जब ये 13 का स्क्वायर है तो आपको पता है कि यहाँ पे हमें चाहिए क्या, 13, जिसका स्क्वायर निकाल सके हम 169। तो 8 के लिए हम क्या करेंगे, 13 में से 8 वहाँ से माइनस करेंगे, सो यस 5 आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे 5 होता तो 5 प्लस 5 10 13 का स्क्वायर, ठीक है। चलो अगला देखो, 112 422 424 936 क्वेश्चन मार्क 4 क्वेश्चन मार्क, एक वैल्यू से आराम से निकाला जा सकता है, 246 तो अगला क्या आएगा 8, दूसरा 149, तो देखो 1 प्लस 3 4 4 प्लस 5 9, तो अगला क्या करोगे, प्लस 7 ही करोगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ अगर प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 हो रहा है तो यहाँ प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 होगा, तो 9 प्लस 7 कितना हो जाएगा 16, सो यस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखो 52840, सो सिंपल है, बहुत सिंपल, अगेन इसको वर्टिकली अगर हम चलाएं, 5 2 10 10 इंटू 8 80 डिवाइडेड बाई 2 40, 5 4 20 20 into 360 डिवाइडेड बाय 2 30। अब यहाँ पे भी वही करो, 2 1 2 2 10 20 डिवाइडेड बाय 2, सो यस 10 विल बी द आंसर, वेरी सिंपल। चलो लेट्स सी द अगला वाला, अब ये है आपका होमवर्क क्वेश्चन, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, आंसर अभी आपको जब हम क्लिक करेंगे पता चल जाएगा, लेकिन इसका लॉजिक क्या है, इसका पैटर्न क्या है, कैसे वो आंसर आ रहा है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में पोस्ट करेंगे, राइट? सो यस हियर यू गो, बट कैसे आया 27 ये हम कमेंट बॉक्स में जानना चाहेंगे। एक बार फिर से जरा हमारा टाइम टेबल नोट कर लो अनअकैडमी का, 7:30 से 8:30 बैंक की क्लास, 9 बजे से 10 बजे एसएससी की क्लास, और 12 बजे से 1 बजे तक प्लस का कोर्स जिसमें एसएससी और स्टेट लेवल की तैयारी होती है। सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, लेना है तो कोड यूज़ करना है SMS10, जिससे 10% डिस्काउंट आपको मिल जाए। एंड अनअकैडमी पे कुछ करो ना करो, हमारी प्रोफाइल को फॉलो ज़रूर करो, ताकि अपकमिंग कोर्सेज, अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो हाल फिलहाल बस इतना ही, सी यू ऑल टुमारो अगैन विद सम मोर न्यू 15 क्वेश्चंस, एंड डेफिनेटली विल वेट फॉर द आंसर ऑफ द होमवर्क क्वेश्चन। सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, एंड ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।